हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं, टिकटॉक में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो आज हम बताएंगे इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा है, उस लिंक को ओपन करना है और उसी साउंड पर आपको टिकटॉक के वीडियो शूट कर लेना है और उस वीडियो को आपको प्राइवेट में अपलोड कर देना है। प्राइवेट में अपलोड करने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काइन मास्टर एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। तो आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने इन वीडियो का लिंक दे रखा है, उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सेलेक्ट कर लेना है। तो ये जो वीडियो मैंने जो शूट किया वो टिकटॉक साउंड पे ही शूट किया गया है। तो सिंपल आपको करना क्या है, फर्स्ट वाले वीडियो पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट आइडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडियो होगा आइडियो आपको बाहर आ जाएगा। तो आपको वीडियो को एक बार प्ले कर एक बार प्ले करना है। प्ले करने के बाद जैसे आप बोलते हैं क्या, इस तरह से जैसे ही आप बोलते हैं तो यहाँ पे आपको रुक जाना है, वीडियो प्ले पे क्लिक करना है, कैंसिल के निशान पे क्लिक करना है। तो आपको स्पीड टू प्ले हिट का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। इसके बाद आपको सिंपल करना क्या है, आप अपने वीडियो के पास आना है। यहाँ पे आप जैसे ही बोलते हैं क्या, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्या, तो सिंपल ये सीन हमें यहाँ से निकालना है। वीडियो प्ले पर क्लिक करना है, कैंसिल के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इसके बाद आगे की तरफ करना है, आप वीडियो प्ले पर क्लिक करना है, कैंसिल के निशान पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्पीड टू प्ले हिट, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से इस पार्ट को आप यहाँ से उठाना है और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और आपको यहाँ पे रख देना है। तो सिंपल हमारा फर्स्ट वाली वीडियो कुछ इस तरह से शूट हो गया हुआ एडिट। इसके बाद सेकेंड वाली वीडियो फिर से हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा, तो इसे हमें नहीं चाहिए, इसे हमें डिलीट कर देते हैं। इसके बाद इस वीडियो को साउंड पर क्लिक करना है, इस वीडियो पर साउंड पर क्लिक करना है, इस साउंड को म्यूट कर देना है। ये जो साउंड है आपका, साउंड जो है आपको म्यूट हो गया है। सिंपल से इस वीडियो को प्ले करना है। इसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको इस साउंड, क्योंकि हमारा फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे आ चुका है तो फर्स्ट वाला पार्ट किसे छोड़ देना है। यहाँ पे क्या बोलते हो वो भी पार्ट हमारा हो चुका है, तो यहाँ पर थर्ड वाले पार्ट यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो आपको वीडियो को आपको यहाँ पर प्ले कर देख लेना होगा, काफ़ी ध्यान से आपको एडिट करना होगा। वीडियो क्लिप पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इसके बाद वीडियो को आगे तरफ प्ले कराना है, सिर्फ यहाँ पे यही सीन चाहिए। वीडियो क्लिप पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। तो यहाँ से हमारा ये पार्ट जो है आ चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पे फिर से मैं क्या बोलता हूँ, फिर इससे क्लियर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, डुप्लीकेट ले लेना है। सिंपल इस पर क्लिक करना है, इसे हमें यहाँ पर रख देना है। आप देख सकते हैं यहाँ का पार्ट हमारा एडिट हो चुका है। इसके बाद स्टार्टिंग का पार्ट, इसके बाद इस पार्ट को आपको प्ले कर देखना है। यहाँ से हमारा पार्ट जो है ना स्टार्ट होता है। आपको एक से दो बार प्ले कर देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ऐसे यहाँ से हमारा पार्ट स्टार्ट हो रहा है, मैंने भी 2 से 3 बार प्ले कर देखा हूँ। इसके बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैंसिल के निशान पे क्लिक करना है और इसके बाद ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इसके बाद सिंपल से आपको इस तक, यहाँ तक का पार्ट चाहिए। वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैंसिल के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद लास्ट का पार्ट जो आपका सीन चाहिए, फिर से हमें मीडिया पे आना है। इसके बाद फिर से हमें फाइल में आ जाते हैं, तो मैंने जो वीडियो शूट कर रखा हूँ टिकटॉक साउंड में, फिर से हम वही वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद लास्ट में मैं बोलता हूँ वो लास्ट का सीन हमें लेना है, तो आपको वीडियो को एक बार प्ले कर देख लेना होगा। देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। तो वीडियो हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो हमारा वीडियो जो यहाँ पे प्रॉपर एडिट हो चुका है। वो करना क्या, सिंपल इस पर क्लिक करना है और इस साउंड को आपको म्यूट कर देना है। आपको सारे साउंड को आपको म्यूट कर देना है। इसके बाद हमने इस नीचे वाला भी साउंड को मैंने म्यूट कर दिया था, इस साउंड पे क्लिक करना है। अब म्यूट जो मैंने किया था इसे हमें ओपन कर देना है। इसके बाद इसे हम साउंड को फुल कर सकते हैं ना भी कर सकते हैं, तो मैं 100 तक रहने देता हूँ। तो हमारा वीडियो यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो फर्स्ट में हम खुद इस तरह से आएगा, सेकेंड में कुछ इस तरह से आएगा, थर्ड में कुछ इस तरह से, फोर्थ नंबर में इस तरह से। तो हमारा वीडियो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
इसके बाद अगर कोई भी आपको साउंड थोड़ा, अगर साउंड आपको मैच नहीं हो रहा है तो आपको साउंड मैच कर लेना है। तो इस तरह से आपको कम बेस भी यहाँ पे कर सकते हैं अपने हिसाब से, और आप साउंड को आपको यहाँ पे काफ़ी ध्यान से आपको मैच करना पड़ेगा, तभी आप इस तरह के वीडियो आप बना सकते हैं सिंपल। और इसमें भी कोई मैच नहीं कर रहा तो सिंपल आप कुछ पार्ट अगर कम करना चाह रहे, एक्स्ट्रा करना चाह रहे, तो आपको स्पीड कंट्रोल से आकर हल्का कम बेस आप कर सकते हैं और साउंड को आप मैच कर सकते हैं। इसके बाद सेटिंग पे आना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, क्योंकि हमारा साउंड जो होता है लास्ट का साउंड जो होता है ना स्लो हो जाता है, हमारा साउंड स्लो नहीं होगा। शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है, और हमारा वीडियो जो तैयार हो चुका है। ये वीडियो जो है टिकटॉक पर अभी फ़िलहाल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो इस तरह से यदि आप वीडियो बनाते हैं तो आपके टिकटॉक वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा लाइक एंड व्यूज आ सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।